हाँ, ये चिकनी भजन का प्रोग्राम चल रहा है जिसके गाय कलाकार चौधरी वासुदेव बड़का कठुबर ढोलक पर संगति कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई अमित जो कि यूट्यूब चैनल पर पहुंचाया जा रहा है, वो है हमारे बड़े भाई देशवाल मुड़िया कठुबर से। लीजिए ये कोर धमाका। हाँ जी, एक बार सबसे पहले वासुदेव बड़का की तरफ से सबको हाथ जोड़ करके राम राम है, राम राम साहब। देखिए बड़ा ही आनंद आ रहा है, आपके गांव के मेले में एक से एक गायक कलाकार आया हुआ है। सभी गायक कलाकार नौले पे देला है अमित भैया, लेकिन भैया जी पहली बार आने के लिए मौका मिला, लेकिन भैया कभी लिखने से आलाना वो कैसे क्या बताया। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट कमेटी बारे थे के थोड़ सो आप जब हल्ला करेंगे तो पीछे बारे तो जरूर करेंगे, लेकिन भैया जी कभी क्या लिख रहा है कि सदा काटे जिंदगी तो बाबा मेरे चारे दिना को, चारे दिना को खेल और यही सब धर रे जागो, और राजा हो या रंग को बाबा मेरे काल सब को। एक बात तो मैं सुना है सुरजगढ़ी का मेला लगता है, ब्रजभूमि है, लेकिन भैया जी कभी चालदानों में लिख रहे हैं ब्रजभूमि के बारे में। आज राधा अपनी सहेलियों से कह रही है भैया जी, क्या कह रही है भैया, अरे और घर आंगन है, और घर आंगन है, और ब्रज धाम राधा रानी को, और घर आंगन है, और ये ब्रज धाम राधा रानी को, और बंसी बारो, और बंसी बारो बन्यो गुलाम राधा रानी को, बंसी बारो बन्यो गुलाम राधा रानी को। अरे वृंदावन में जाकर देखो चित्र आधा आधा, संचालक साहब शब्दों का ईमेल है, वास्तविक का है कि शब्दों का ईमेल है, शब्दों का ही खेल है, और शब्दों से बच्चा पास है तो शब्दों से ही। लेकिन भैया अरे वृंदावन में जाकर देखो चित्र आधा आधा, वृंदावन में जाकर देखो चित्र आधा आधा, लेकिन अमित भैया खोरी एक बगल में, एक बगल में, एक बगल में कृष्ण मिलेंगे एक बगल में, वृंदावन में जाकर देखो चित्र आधा आधा, एक बगल में कृष्ण मिलेंगे एक बगल में राधा, क्यों पहले धरे भैया, पहले धरे धरा पे पाप राधा रानी को, पहले धरे धरा पे पाप राधा रानी को। और ये एक कैमरे सुनने का पुरस्कार हमारे अंकल जी दे रहे हैं हमारे लिए, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा भैया पहले
हरो धरा पे पाम राधा रानी को बंसी बारो बन्यो गुलाम राधा रानी को बन लेकिन भैया प्रसंग मेरा उस समय का जिस वक्त महाभारत के अंदर बाबा साहब हाँ साहब 1000 रुपया 1100 1000 रुपया शिव सिंह जी सिब्बा भैया भीतर गया सूदी सूदी बात सिब्बा भैया भीतर ही आगे 1000 रुपया हमारी कमेटी के लिए देते हैं धन्यवाद तालियों के साथ स्वागत और 1100 रुपया भगवान सिंह जी सनोप सिंह असंता सिंह जी थोक भैया हमारी कमेटी के लिए देते हैं धन्यवाद दानवीर 500 1100 रुपया दानवीर सिंह प्रजापत दानवीर सिंह सनोफ झुन्नीलाल भगत जी 1100 रुपया हमारी कमेटी को देते हैं धन्यवाद तालियों के साथ स्वागत लेकिन भैया जी और संचालक से भी निवेदन रहेगा अगर नंबर पूरा है जाए तो रुपया ने जबई सुना दे करो क्योंकि गवैया को रोटेशन खराब है जावे लेकिन भैया जी प्रसंग मेरा वो ही रहेगा जिस वक्त महाभारत के अंदर राजा दुर्योधन की आदि सेना खत्म हो जाती है बाबा साहब लेकिन आज जब ये शब्द पिता भीष्म ने सुने आज पिता भीष्म कह लगा अरे बेटा राजा दुर्योधन लेकिन सुन क्या कह रहे भैया अरे होर बोलने लागे होर बेन लाल करे बोलने लागे बेन लाल कर होर नैन भीष्म बल थारी होर नौन तिहारे को होर नौन तिहारे को बोल चुका दऊ बाला पन ब्रह्म खा
देखिए समय का भाव, लेकिन सुनेंगे गाना। हाँ साहब, 2100 रुपए। जैसे ही पिता भीष्म ने कहा, अरे बेटा राजा दुर्योधन, क्या तू नमक के तायरे मारा है? लेकिन सुन, मेरे को भी पिता भीष्म कहते हैं, लेकिन क्या कह लेंगे भैया? और कल सबर में क्या जाने होगी, कल सबर में क्या जाने होगी, हो रे बेटा ये तो कल ही पतो परे गोरे, हो रे जब तक पांडव नाए मरे तेरो ही यो नाए भरे गोरे। अरे तेरे संग में तेरे पिता की कहा, अरे तेरे संग में तेरे पिता की मिटा दऊ में शंका है, रण के तन में बेटा मेरो बजे विजय को। लेकिन भैया जी, कभी यहाँ भी उपदेश लिख रहे हैं, लेकिन हमारे कवि लखन अवलदार बड़का वाले चार लाने लिख रहे, पहले तर्ज सुनेंगे। तर्ज क्या कह रही है भैया, क्या बताया भैया? खोरी आंख से जल का आंसू और जा टपका शराब में, खोरी आंख से जल का आंसू और जा टपका शराब में, कोई दिल में चुभा है कांटा, खोरी जा निकला गुलाब में। लेकिन भैया कभी क्या लिख रहे, गौर से सुनेंगे। लेकिन भैया क्या बताया? खोरी साजन बिना सुहागन दुल्हन है एक रात की, खोरी साजन बिना सुहागन दुल्हन है एक रात की। भैया बहुपति मार के बैठी उलझन है एक बात की, कहा पहले प्रेम बढ़ाया साथ फेरे लिए और वादे किए और कसमें खाई। लेकिन भैया वो दे गले अरुराई, और डायन बनी कमाल की, और साजन बिना लोहन है ये तेरा क्या बात। अरे समय पूरो है गयो भैया, अरे समय थोड़ो रे गयो भैया, अरे लखन कहे जो तेरी भूला पार कर है नैया, अरे गुरु लखन यो भोला पार करे नैया। राम राम साहब।